हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्य एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज मैं आपके साथ किस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस कर रहा हूं और क्या हम आज यहां पे पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ठीक है। और साथ ही ऑल का जो नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है, ऑल का ऑप्शन को आप ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियोस मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ आपके पास फ्री में उसका नोटिफिकेशन आता रहे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैं यहाँ पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, सिविक्स, उत्तराखंड और मैथ्स, रीजनिंग, चाहे आप बैंक एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स रीजनिंग, ठीक है, और एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स रीजनिंग साइंस, और अगर आप उत्तराखंड किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, चाहे आप उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपके लिए अलग से मैथ्स रीजनिंग, उत्तराखंड जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो एक पूरा सिलेबस आपको कवर करवाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रेगुलर जो वीडियोज आते हैं वो ज़रूर आप देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक लेके चल रहा हूँ, संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका, ठीक है। तो संघ की कार्यपालिका जो होती है, सबसे पहले जान लेते हैं कि संघ की कार्यपालिका क्या होती है। राष्ट्रपति में निहित होती है, आर्टिकल 53A बताता है, ठीक है। तो चलिए इस के बारे में डिस्कस करते हैं और इसके फैक्ट्स जानते हैं, ठीक है, क्या क्या फैक्ट्स हैं और क्या क्या राष्ट्रपति से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आर्टिकल 53A में अनुच्छेद के जो अनुसार जो है कि संघ की कार्यपालिका जो होगी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि राष्ट्रपति में निहित होती है, यानी कि जो संघ की जो कार्यपालिका होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन वो इसका प्रयोग जो होगा वो संविधान के अनुसार करेगा, यानी कि अपनी मनमर्जी से नहीं करेगा, ठीक है, संविधान के अनुसार करेगा और स्वयं के अनुसार स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सलाह पर करेगा। क्योंकि इसकी स्वयं का मतलब यहाँ पे कुछ जो राष्ट्रपति के पास कुछ विवेकाधिकार शक्तियाँ भी हैं, तो विवेकाधिकार शक्तियों का प्रयोग भी वो संविधान के दायरे में रहकर ही कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उस अधीनस्थ और बाकी जो है अधीनस्थ सेवाधिकारियों के, यानी कि जैसे कि आपके पता है कि मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की सलाह पर ही और बहुत सारे निर्णय जो होते हैं इनकी सलाह पर जाते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, तो उसी तरीके से राष्ट्रपति यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ है कि राष्ट्रपति जो कार्यपालिका होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, आर्टिकल 53A, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट बीजिए, ठीक है, तो उसको आप नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं हम यहाँ पे कि भारत का जो राष्ट्रपति है अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के अनुसार निर्वाचित किया जाता है, अर्थात अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। तो जो राष्ट्रपति होता है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा क्या हो जाता है, चुना जाता है। तो निर्वाचक मंडल में अगर हम बात करें तो क्या कौन कौन निर्वाचक मंडल में होते हैं उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष निर्वाचन मत पद्धति के द्वारा चुना जाता है। मतलब अप्रत्यक्ष का मतलब ये हो गया है कि डायरेक्ट जनता, देखिए जैसे हम प्रधानमंत्री के चुनाव में या जिसके लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में हो गया, या आप ग्राम प्रधान हो गया, ठीक है, या जैसे कि ग्राम पंचायत हो गया, तो इस तरीके से जो चुनाव में जो भाग लेते हैं MLAs आप चुनते हैं, MPs आप चुनते हैं, तो डायरेक्ट क्या होता है, वयस्क मताधिकार के आधार पर उनका चुनाव होता है। लेकिन अप्रत्यक्ष का मतलब ये हो जाता है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है वहाँ पर हम डायरेक्टली वोट नहीं देते हैं, बल्कि हमारे वोट का प्रयोग कौन करता है, MP और MLAs के द्वारा हमारे वोट का प्रयोग किया जाता है। दैट्स अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा हमारे वोट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष पद्धति, ठीक है, या अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। अगला यहाँ पर लेके चलते हैं, यदि राष्ट्रपति चुनाव के समय किसी विधानसभा में कुछ, देखिए इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई विधानसभा, देखिए विधानसभा के सीधा, चलिए इसमें मैं एक पहले एक पॉइंट क्लियर करवा देता हूँ, फिर इसके बाद आपको समझाता हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो दिया हुआ है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है, तो जो यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो भाग लेने के जो, अब देखिए यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव के समय, यदि किसी राष्ट्रपति के चुनाव के समय किसी भी विधानसभा के कुछ सदस्यों की जो संख्या है, ठीक है, वो खाली है, कुछ सदस्य नहीं है, या विधानसभा भंग हो रखी है, तो उससे राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सदस्य हैं, यानी कि जो सदस्य उस समय या जो विधानसभा उस समय नियमित रूप से चल रही हैं, या जितने भी सदस्य उस विधानसभा में नियमित रूप से अभी प्रेजेंट टाइम में उपस्थित हैं, या सीटें जितनी भी प्रेजेंट टाइम में हैं जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव होगा, यानी कि उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि विधानसभा, कौन सी विधानसभा चल रही है या भंग है,
या किस विधानसभा में कितने सीटें खाली हैं, जितने सदस्य किसी विधानसभा में होंगे या जितने राज्य में जो भी जितनी भी विधानसभाएं संचालित हो रही है उस समय, तो वो चुनाव में भाग लेंगे। मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर किसी विधानसभा में कुछ सदस्य खाली हो या किसी राज्य की विधानसभा भंग हो, तो राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि बाधित नहीं होगी, जितने भी उससे भाग लेंगे। ठीक है, अब राष्ट्रपति का चुनाव किया किसके द्वारा जाता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है निर्वाचक मंडल के द्वारा। अब निर्वाचक मंडल के द्वारा चुनाव किया जाता है, तो इसमें क्या क्या होते हैं, संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं कि निर्वाचित सदस्य होते हैं, क्या होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के सदस्यों को निर्वाचित। ठीक है, अब इसके लिए मेरे एक वीडियो में आना, इससे पहले मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इसमें आप ज़रूर देख लेंगे कि अभी निर्वाचित सदस्य कितने हैं, ठीक है, और किस तरीके से निर्वाचित कितने हैं, मनोनीत कितने हैं, ठीक है, और कुल कितने हो सकते हैं। वीडियो का मैं लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर उसको देख लीजिए। लेकिन फिर भी मैं अभी आपको समझा देता हूँ कि अगर देखिए संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य, ठीक है, निर्वाचित सदस्य, देखिए मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, यानी कि लोकसभा में जो दो एंग्लो इंडियंस मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, या राज्यसभा में 12 सदस्य जो अलग अलग क्षेत्रों से चुने जाते हैं या मनोनीत किए जाते हैं, वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो इसका मतलब सीधी सी बात प्रेजेंट टाइम में क्या है स्थिति, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में स्थिति कितने जो सदस्य अभी प्रेजेंट टाइम में निर्वाचित हैं, तो लोकसभा में है जो राज्यसभा में है 233 और लोकसभा में है 543, क्योंकि आपने देखा होगा कि लोकसभा के 543 सीटों के लिए वोट होता है, ठीक है, इलेक्शन होता है, तो 543 अभी निर्वाचित हैं और राज्यसभा में 233 निर्वाचित हैं, तो टोटल कितने हो गए, ये हो गया आपके पास 776, मतलब 776 जो वोटर्स होंगे, यानी कि जो सदस्यों के वोट होंगे, वो आपके कहाँ से होंगे, संसद से होंगे। अब आते हैं राज्यों एवं केंद्र शासित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखिए पहले केंद्र शासित प्रदेशों का कोई भी जिक्र नहीं था, लेकिन जो 17th अमेंडमेंट हुआ, 70वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, उसमें ये बात रखी गई थी कि जो विधानसभाएं, जिन भी विधानसभाओं में केंद्र शासित प्रदेश यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं, वो भी भाग ले सकते हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में सिर्फ दो में है, तो एक है दिल्ली और दूसरा है पांडिचेरी, जिसको हम पुदुचेरी के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो 17th अमेंडमेंट 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि विधान परिषद, चाहे जिस भी राज्य में दुमंडलीय शासन यानी कि विधान परिषद विधानसभा दोनों होंगे, तो विधान परिषद के तो सदस्य भाग नहीं लेंगे, सिर्फ भाग कौन लेंगे, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, ठीक है। अब विधानसभाओं, राज्यों एवं विधानसभाओं के कुल निर्वाचित सदस्य प्रेजेंट टाइम पे कितने हैं, वो है 4120 सदस्य हैं टोटल, जितने भी हमारे जो 29 राज्य जो भी हैं, ठीक है, 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, अभी सदस्य जम्मू कश्मीर तो अलग हो गया, तो उसका तो अलग आएगा, लेकिन हम अभी तक बात करते हैं जो 2017 में जो चुनाव हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग में इसको आंकड़े को बता रहा हूँ। तब कितने राज्य थे, 29 राज्य थे, ठीक है, 29 राज्य थे, 29 राज्यों में 4120 मेंबर्स हैं, ठीक है, MLAs जो हैं, तो 4120 ये हो गया आपके पास जो आपके थे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से, और 776 हमारे हुए थे संसद से, तो टोटल कुल कितनों ने भाग, कितने भाग लेते हैं, 4896, मतलब 4896 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और जो भी भाग लेते हैं वो हमारे वोट यानी कि जो आम जनता के वोट का प्रयोग करके अप्रत्यक्ष रूप से वोट देते हैं। इसीलिए जैसे कि अगर सिक्किम की बात करें या किसी भी स्टेट की बात करें, साथ में कुछ स्टेट की जो है, तो उनके एक MLA का वोट 8 या 9 या 7 इस तरीके से है, और जबकि UP और इन तरह की बात करूँ, उनके MLA का वोट है 176, ठीक है। तो इसके बारे में एक नया वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आपको पूरा लेक्चर के साथ इसमें मैं समझाऊँगा कि क्या सिचुएशन होती है और क्यों ये चीज़ें होती हैं, कि क्यों इस तरीके से कम, किसी का 8 है, किसी का 176 का है, तो वो पॉपुलेशन के आधार पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको फिलहाल अभी इसको यहीं पे छोड़ते हैं, लेकिन जो अभी समझ में आपके पास ये आ गया होगा कि टोटल जो है जो 776 कहाँ से होते हैं, संसद से होते हैं, और राज्य में केंद्र शासित विधानसभा 4120 सदस्य भाग लेते हैं चुनाव में, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 4896 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जो हमारा पूरा इलेक्टर कॉलेज बनता है, यानी कि निर्वाचक मंडल होता है। तो ध्यान रखिए, निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है, वहाँ पर मनोनीत सदस्य कोई भी भाग नहीं लेता है, चाहे वो संसद से हो चाहे वो विधानसभाओं से हो। दूसरी बात, विधान परिषद के कोई भी सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे कि मनोनीत, देखिए मैंने नोट में आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति की योग्यता होती क्या है, तो राष्ट्रपति सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, तो कॉमन है सबके लिए, हर किसी, जैसे कि प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे आप, ठीक है, या आप लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे और उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे,
या मुख्यमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, तो सब में ये कॉमन है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और एक नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, सबके लिए कॉमन है। फ़र्क सिर्फ आता है इनकी एज में। तो एज जो होती है राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो वही व्यक्ति क्या होगा, राष्ट्रपति बन सकता है। मैक्सिमम एज कुछ नहीं है, शॉर्ट नोट्स में मैंने वीडियोज़ आपके पास डिस्कस किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, तो लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता क्या क्या होती है, तो उसमें होता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी की लाभ किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह दिवालिया पागलपन ना हो, पागल ना हो इस तरीके से, यानी कि स्वस्थ हो। तो ये कुछ ही यहाँ पर रखी गई हैं, ठीक है। तो वो आपके पास जो उसकी शर्तें हैं वो आप लोकसभा के टॉपिक में आपको समझा दूंगा, ठीक है। अगला आता है कि आर्टिकल 71 के तहत जो होता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी का जो निपटारा जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो भी विवाद होते हैं उनका निर्वाचन जो निपटारा होता है कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगर हम देखें इसके निर्वाचन यानी कि निर्वाचन आयोग की बात अगर हम करते हैं तो उसमें सीधी सी बात कही गई है कि जो उच्च न्यायालय जो होगा वो किसी भी तरीके से यानी कि उच्च न्यायालय जो होगा वो किसी भी तरीके से उच्च न्यायालय किसी भी तरीके से भाग नहीं लेगा जब चुनाव यानी कि जब इलेक्शन वगैरह होंगे तो उसका जो पूरा निपटारा जो इलेक्शन कमीशन है इसका पूरा कार्यभार संभालेगा, मतलब सर्वोच्च न्यायालय इसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा। लेकिन आर्टिकल 71 को वहाँ पे अपवाद माना जाता है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो भी विवाद होते हैं वो कौन सुलझाएगा, सर्वोच्च न्यायालय सुलझाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में सीखने के लिए आपको मिलने वाली है। भारत का राष्ट्रपति होने के लिए जन्म भारत से हुआ हो या आवश्यक नहीं, यह जरूरी नहीं कि वो भारत का ही जन्म हुआ, भारत में ही उसका जन्म हुआ हुआ अगर उसके पास, जैसे कि अगर अमेरिका में है कि यदि नागरिकता भारत की अर्जित हो, ठीक है। देखिए जो अमेरिका में क्या है कि जो वही वहाँ पर राष्ट्रपति बन सकता है जो अमेरिका में ही जन्म हुआ हो जिसका। लेकिन जैसे अगर यहाँ पे हम नागरिकता की बात करें भारत की, तो जन्म के आधार पर नागरिकता है और वंश के आधार पर नागरिकता है। एक तो होता है कि जन्म जिसका भारत में ही होता है उसे नागरिकता मिल जाती है, उस दूसरा होता है कि वंश के आधार पर मतलब कोई बच्चा अगर भारत से बाहर उसका जन्म होता है लेकिन उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाती है। तो इस कथन का यहीं पे मतलब बनता है कि अगर कोई, ये जरूरी नहीं कि वो भारत में जन्मा हुआ हो, जैसे कि अमेरिका में मैंने आपको बताया है, यदि नागरिकता अगर भारत के, अगर उसके पास नागरिकता भारत की है और वो भारत के राष्ट्रपति बनने के योग्य होता है, जैसे कि नागरिकता मैंने देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि भारत का नागरिक होना चाहिए यानी कि उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगला देखते हैं ना कि नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति चुनाव का लड़ने के लिए किसी प्रत्याशी का नाम, देखिए जब राष्ट्रपति चुनाव लड़ा जाता है तो जो भी नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए तो उसमें क्या होता है कि 50 मतदाताओं द्वारा जो होना चाहिए उसका नाम नॉमिनेटेड होना चाहिए, प्रस्तावित होना चाहिए, और उसके बाद 50 अनुमोदित किए जाते हैं, 50 द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। तो 50-50 में यहाँ पे होता है कि 50 मतदाताओं के द्वारा उसको प्रस्तावित होना चाहिए क्योंकि 50 मत करने वाले यानी कि वोट देने वाले लोगों ने बताया हुआ हो कि हाँ 50 लोगों के द्वारा बताया गया कि राष्ट्रपति बनने योग्य है, और 50 के द्वारा अनुमोदित किया, अनुमोदित मतलब उसके बारे में उसकी हामी भरी हुई है कि हाँ ये जो है वो सही है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर 100 लोगों की यहाँ पे सहमति चाहिए होती है। आर्टिकल 57 के अनुसार कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति पद निर्वाचित हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा, आर्टिकल 57 क्या बताता है कि अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो चुका है तो वह पुनः इस पद पर नियुक्त हो सकता है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति के लिए कोई भी सीमा नहीं है कि वो एक बार बनेगा, दो बार बनेगा, तीन बार बनेगा, वो कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे कि हमें अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में आपने पढ़ा हुआ होगा कि यहाँ पे सिर्फ दो बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, उसके बाद नहीं बन सकता है। तो आर्टिकल 57 के अकॉर्डिंग ये है कि राष्ट्रपति बनने की भारत में कोई समय सीमा नहीं है, कितनी भी बार बन सकता है। ध्यान रखिए भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो कितनी भी बार बन सकता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 57 है, ठीक है। आर्टिकल 57 में आपके पास ये बताया गया। तो आर्टिकल जैसे हमने ऊपर बताया कि आर्टिकल 55 में आर्टिकल जो आपका निर्वाचक मंडल होता है कि वोटरों की योग्यता क्या क्या होती है, कौन कौन इसके लिए योग्य होता है, तो निर्वाचित सदस्य योग्य होते हैं, जैसे कि विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य योग्य होते हैं। लेकिन अगर किसी में दो विधानमंडल हैं, यानी कि विधानमंडल में द्विसदनीय है, विधान परिषद और विधानसभा है, तो विधान परिषद के सदस्य योग्य नहीं होंगे। तो ये जो सारी चीज़ें बताई गई आर्टिकल 54 में,
यानी कि आर्टिकल 54 बताता है वोटरों की योग्यता, यानी कि राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की योग्यता के बारे में बताता है, कौन कौन से योग्य होंगे कौन कौन से नहीं होंगे। आर्टिकल 55 बताता है कि प्रक्रिया क्या होगी राष्ट्रपति चुनाव की। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि अनुपातिक जो होता है मत पद्धति, यानी कि जो अप्रत्यक्ष रूप से मत पद्धति जो प्रणाली अपनाई जाती है, तो प्रक्रिया उसके बारे में बताया गया आर्टिकल 55 में। आर्टिकल 57 आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि कोई भी समय सीमा, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को बनने की कोई भी समय सीमा नहीं है, जैसे कि अमेरिका में 2 बार नहीं बन सकता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति कितनी भी बार बन सकता है। अब आता है आर्टिकल 111 के उपबंध में, जब संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष, देखिए अब देखिए मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है कि जब कोई भी, यानी कि जब कोई भी विधेयक जो होता है, पहले तो 2 चीज़ों से गुजर कर होकर ऊपर चलना पड़ता है, लोकसभा राज्यसभा में, लोकसभा के 3 वाचनों से, यानी कि 3 पीरियड से जाकर आ जाता है, फिर उसके बाद समिति में, और फिर वो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा लोकसभा राज्यसभा दोनों के द्वारा जब उसको पास कर दिया जाता है, देन उसके बाद विधेयक जाता है राष्ट्रपति के पास। तो वह आता है आर्टिकल 111 में बताया गया है कि कोई भी विधेयक जो होगा वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कानून नहीं बन सकता है, लेकिन कानून नहीं बनेगा इसके लिए भी उसके पास विकल्प होते हैं। तो पहला विकल्प होता है कि राष्ट्रपति जो होता है कि जो अनुमति जो विधेयक है उसको डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रपोजल करते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है कि वो सही है या गलत है या किस तरीके का वहाँ पर प्रपोजल रखा गया है, वो डिपेंड करता है, राष्ट्रपति चेक करके बताएगा और उससे सही लगता है तो डायरेक्टली अपना अपनी अनुमति दे देगा। दूसरा है कि अनुमति न देने की घोषणा कर सकता है, यानी कि विशेषित विटनेस को बोल सकते हैं कि अभी वो अनुमति नहीं दे सकता है, कुछ समय के लिए अपने पास रख सकता है। ठीक है, जिसकी कोई समय सीमा नहीं है, एक विशेषित वीटो में आता है। ठीक है, अगला था कि वह विधेयक को यदि धन विधेयक नहीं है, देखो धन विधेयक के बारे में तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर राष्ट्रपति के पास एक ही ऑप्शन होता है कि उसे अनुमति देनी ही होती है। ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर धन विधेयक नहीं है तो वो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। पुनर्विचार के बाद यदि अगर विधेयक फिर से, यानी कि यदि विधेयक जो होगा फिर से संसद में उसने पुनर्विचार के लिए भेजा और संसद ने उसको फिर संशोधित करके, यानी कि उसमें जो भी करेक्शन था करेक्शन करके फिर से राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजे, तो राष्ट्रपति न वहाँ पर रोक सकता है, न मना नहीं वहाँ पर ना कर सकता है, यानी कि सीधी सी बात उनको वहाँ पर क्या करना होगा, अनुमति देनी ही होती है। ठीक है, एक बार के बाद, यानी कि सिर्फ पुनर्विचार के लिए एक बार ही भेज सकता है, दोबारा नहीं भेज सकता है। क्लियर, इसे हम कहते हैं निलंबनकारी वीटो। क्या बोलते हैं, निलंबनकारी वीटो। वह बिना कोई निर्णय दिए विधेयक को अपने पास रख सकता है। देखिए मैंने जे भी वीटो की बात मैंने आपके ऊपर भी की थी कि अपने पास रख सकता है समय के लिए, कुछ समय के लिए अपने पास रख सकता है, और जो कि कोई जिसकी कोई भी सीमा नहीं है वो आपके पास है जे भी वीटो पावर। जे भी वीटो पावर का प्रयोग अभी तक जो है 1989 में डाक संशोधन अधिनियम में किया गया था ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा डाक संशोधन अधिनियम 1989 में इसका प्रयोग किया गया था, जे भी वीटो का प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। धन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्यता अनुमति देनी होती है। देखिए मैंने ऊपर आपको पहले समझा दिया कि इसको अनुमति देनी होती है, यहाँ पे उसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। ठीक है, चलिए अगला, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, और आर्टिकल 56 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसको 2 प्रकार से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, 2 प्रकार से कार्यकाल समाप्त हो सकता है। नंबर 1, अगर मृत्यु हो गई, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या वो त्यागपत्र स्वयं दे देता है। और दूसरा होता है कि महाभियोग के द्वारा, जो कि अनुच्छेद 61, ये बहुत बार पूछा गया है कि महाभियोग के लिए अनुच्छेद कौन सा, आर्टिकल 61 आपका। ठीक है, अगला देखते हैं राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया जो है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में चलाई जा सकती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस सदन में महाभियोग प्रक्रिया चलाई जा सकती है। ठीक है, तो किसी भी सदन में चलाई जा सकती है, वो लोकसभा भी राज्यसभा भी। सर्वप्रथम संसद, अब इसकी प्रक्रिया क्या होती है। सर्वप्रथम संसद का कोई भी सदन जो यानी कि राज्यसभा या लोकसभा, कोई भी राष्ट्रपति के संविधान के, ये किसी भी प्रकार के यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, कोई भी आरोप लगा सकता है। ठीक है, और कोई भी अगर आरोप लगाया गया होगा वो कोई भी एक सदन कर सकता है वो काम। ठीक है, अब जिससे जिस वो सिचुएशन क्या बनती है वो तो उस पर डिपेंड करता है, पहली बात है। दूसरी बात यहाँ पे कि एक आरोप एक संकल्प के रूप में होना चाहिए, यानी कि लिखित रूप से होना चाहिए, और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित होना चाहिए। सदन के कुल सदस्य जो सदन के, उसे कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा उसमें सिग्नेचर, उनके सिग्नेचर, यानी कि अगर जो 1/4 सदस्यों के वहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए।
ठीक है, और सदन के कुल सदस्य कुल संख्या में कम से कम 2/3 का बहुमत होना चाहिए। देखिए 1/4 का वहाँ पे सिग्नेचर होने चाहिए, लेकिन कितने लोग उसके मत में हैं कि उन पर जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाना चाहिए वो कम से कम कुल संख्या का 2/3 होना चाहिए। दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण यानी कि जांच करेगा। अब देखिए पहले सदन ने तो आरोप लगाया तो दूसरा सदन उसकी जांच करेगा और कमेटी बिठाएगा। अगर जांच के बाद करने के बाद स्वयं राष्ट्रपति प्रतिनिधि अपना बचाव कर सकते हैं, जांच करेगा और इसमें राष्ट्रपति स्वयं या अपने अकॉर्डिंग किसी और के माध्यम से अपना बचाव करने का पूरा अधिकार मिलता है कि वो अपने आप अगर गलत आरोप लगाए गए हैं या किस तरीके से आरोप हैं तो उनको पूरे तरीके से यानी कि उसको पूरा का पूरा अधिकार मिलता है, राष्ट्रपति को पूरा का पूरा अधिकार मिलता है कि उनको जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सही है या गलत है अपना बचाव कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है यदि अब देखिए यदि अगर संकल्प जो दूसरे सदन ने भी उसको सिद्ध कर दिया है कि हाँ ये सही है या गलत है जो भी था, ठीक है अगर सही है मान लेता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा यानी कि पद से हट जाएगा, और अगर उसने बोला है कि गलत है तो राष्ट्रपति बना रहेगा। ठीक है, तो दो सिचुएशन बनती है यहाँ पे। राष्ट्रपति को कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं यहाँ पे, जैसे कि संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। संघ की जितनी भी कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है, जितने भी कार्य होते हैं राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। प्रधानमंत्री की और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी कि प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति करता है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ये कार्यपालिका शक्ति है। महान्यायवादी नियंत्रक या मालिका परीक्षक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों राज्य के राज्यपाल संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों वित्त आयोग के सदस्यों मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों भाषा आयोग के सदस्यों भाषा भारत के राजदूतों एवं राजनयिकों की नियुक्ति और हटाने का अधिकार सब किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। अंतर्राज्य परिषद, देखिए अगला नेक्स्ट देखिए अंतर्राज्य परिषद के लिए अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध रिपोर्ट देने के लिए आयोग, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग एवं अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति की भी राष्ट्रपति कर सकता है, अधिकार है। एससी किसी भी क्षेत्र को एससी एसटी क्षेत्र घोषित कर सकता है और उसके प्रशासन की शक्तियाँ जो प्राप्त होती है वो राष्ट्रपति को होती है एससी एसटी क्षेत्र के प्रशासन, यानी डायरेक्टली अपने हाथ में उसको ले सकता है, अपने अकॉर्डिंग का प्रशासन चला सकता है। विधायी शक्तियाँ जो है, राष्ट्रपति भारतीय संसद का विभिन्न अंग होता है, वह शक्तियाँ प्राप्त होती है, जो राष्ट्रपति जो होता है कि भारतीय संसद का एक विभिन्न अंग प्राप्त होता है उससे कुछ शक्तियाँ भी यहाँ पे प्राप्त होती हैं। ठीक है, जैसे कि दोनों सदनों के सत्रों को बुला सकता है, उनका सत्रावसान कर सकता है या लोकसभा को भंग कर सकता है, तीन प्रकार की शक्तियाँ यहाँ पे हैं। दोनों संसदों में अगर वो गतिरोध है यानी कि दोनों संसदों यानी कि गतिरोध का मतलब ये हो गया है कि कोई भी अगर प्रपोजल रखा गया है, कोई भी अगर एक्ट रखा गया अधिनियम या जो विधेयक रखा गया है, लेकिन दोनों सदनों के विचार नहीं मिल रहे, एक फेवर में बात करते हैं कि अगेंस्ट में बात करता है, और ये गतिरोध अगर हो रहा है तो दोनों की संयुक्त बैठक बुलाएगा। ठीक है, दोनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। जो 2 सदस्य होते हैं वो एंग्लो इंडियन समुदाय से होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी उत्तराखंड ARO एग्जाम में लोकसभा के बारे में। ठीक है, लोकसभा में अस्थायी अध्यक्ष और राज्यसभा के कार्यकारी देखिए चाहे अगर जिस समय अध्यक्ष लोकसभा में अध्यक्ष काम नहीं कर रहा है, लोकसभा में अध्यक्ष नहीं है या राज्यसभा में सभापति नहीं है, तो कार्यकारी अध्यक्ष या कार्यकारी सभापति की नियुक्ति कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग किसी को भी वहाँ पर समय के लिए कुछ समय के लिए नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, कर सकता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता, ऊपर मैं आपको समझा चुका हूँ। प्रत्येक विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना आवश्यक होता है। धन विधेयक को छोड़ साधारण विधेयक को अनुमति फिर विचार हेतु वापस भेज सकता है। ये सारी चीज़ आपके पास ऊपर क्लियर कर चुका हूँ कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बनेगा और बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर सब यानी कि प्रत्येक विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी है। धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, मैं ऊपर समझा चुका हूँ आपके पास। कुछ विशेष विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना भी संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। कुछ ऐसे भी विधेयक है जिनको पहले राष्ट्रपति देखिए इस चीज़ में राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता है, यानी कि त्याग जो सीधी सी बात है कि मना नहीं करेगा किसी को भी देने के लिए, यानी कि जैसे कि धन विधेयक है तो धन विधेयक को अनुमति देने के लिए मना नहीं कर सकता और पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेज सकता है। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि पहले जब लोकसभा में यानी कि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है, तो जब लोकसभा में पेश हो रहा होगा उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। ठीक है, यानी कि बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं होगा। नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, ठीक है, तो जैसे कि एक पहला जो है आर्टिकल 3 जो आपके पास बताता है कि जैसे भी अगर संसद को नए राज्यों का निर्माण करना है, वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है, तो
इसके लिए राष्ट्रपति की पहले अनुमति लेनी होगी, राष्ट्रपति स्वीकृति लेनी होगी। राष्ट्रपति फिर उस भी जिस भी राज्य के बारे में ये बात हो रही है, जिस भी राज्य की सीमा में परिवर्तन, उसके विधानसभा से बात करेगी। तो उसके बाद जो भी कंडीशन बनेगी उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस होगा, ठीक है। लेकिन पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। धन विधेयक में आपको समझा चुका है, आर्टिकल 112 के तहत है ये कि धन विधेयक में इसके लिए राष्ट्रपति की नियुक्ति होनी जरूरी है। वैसे तो 110 आपका जो धन विधेयक होता है आर्टिकल 110 में बताया गया उसके बारे में, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट कि भारत की संचित निधि से व्यय के संबंधी विधेयक, जो भारत में संचित निधि से के लिए जो व्यय जो संबंधी कोई भी विधेयक अगर निकाला जाता है आर्टिकल 266 जो बताता है, तो उसमें भी राष्ट्रपति की अनुमति पहले अनिवार्य है। व्यापार की स्वतंत्रता निर्बंधन अधिरोपित करने वाले राज्य विधेयक, तो व्यापार की स्वतंत्रता के लिए अगर कोई भी राज्य विधेयक निकाले जा रहे हैं तो उसके लिए भी राष्ट्रपति की जरूरी है, ठीक है। न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी नियमों का निर्धारण करता है, और क्षमादान का अधिकार दिया गया आर्टिकल 72 कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और उसके पास एक न्यायिक शक्ति दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी जो भी होंगे या कुछ अन्य जो कर्मचारियों के लिए नियमों संबंधी नियमों का निर्धारण करता है, कर्मचारी की नियुक्ति संबंधी नियमों का निर्धारण करता है, और साथ ही क्षमादान का अधिकार आर्टिकल 72 के थ्रू। वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां क्या क्या है, राष्ट्रपति के नाम पर प्रत्येक वर्ष जो प्रतिवर्ष होता है वित्त मंत्री जो होता है वो संसद में बजट पेश करता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी वित्त जो वित्त विधेयक हो लोकसभा में पेश नहीं हो सकता है। मैंने देखिए आप मैंने ऊपर पहले बता दें कि धन विधेयक और वित्त विधेयक के लिए पहले अनुमति आवश्यक होती है किसकी, राष्ट्रपति की, उसके बाद ही वो लोकसभा में पेश होगा। भारत की आकस्मिक निधि पर पूर्ण नियंत्रण होता है। आकस्मिक निधि मतलब जो इमरजेंसी में किया जाने वाला जो भी फंड होता है, खर्च किया जाने वाला जो भी फंड है, उससे पूरा के पूरा नियंत्रण राष्ट्रपति का होता है। वो बिना यानी कि वो संसद के इस समय वो अगर कभी उसे लगता है, राष्ट्रपति को लगता है कि कोई आपातकाल की स्थिति बनने वाली, इमरजेंसी की सिचुएशन बनने वाली है, तो उस फंड को ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको संसद की अनुमति ही चाहिए, वो बिना अनुमति के भी निकाल सकता है। अचानक पड़ने वाले कोई भी खर्चे को वो वहाँ पर वहन कर सकता है, कुछ धन को निकाल सकता है, सरकार को दे सकता है। वित्त आयोग की सिफारिश के लिए अनुच्छेद 281 के साथ वो संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन अनुच्छेद 323, पिछड़ा वर्ग का प्रतिवेदन अनुच्छेद 340 और SC/ST आयोग के प्रतिवेदन 338 को भी संसद के सामने प्रस्तुत कर सकता है। यानी कि उसके बारे में उनकी सिफारिश, वित्त आयोग की सिफारिश, वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में, गठन के बारे में, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग, संघ लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में, तो सारी जो जो संसद के सामने इन सब चीज़ों के बारे में वो सभी कंडीशंस जो है बनती, जो भी आप सिफारिशें हैं वो संसद के सामने रख सकता है। अगला यहाँ पे है वित्तीय शक्तियाँ, देखिए सॉरी वित्तीय शक्तियाँ यहाँ पे सैन्य शक्तियाँ होना चाहिए, सैन्य शक्तियाँ यहाँ पे होगा। सैन्य शक्तियों का मतलब होगा कि राष्ट्रपति जो होता है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, ठीक है। देखिए आपको सीधी सी बात है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, लेकिन वो अर्थात सैन्य शक्तियाँ जो राष्ट्रपति में निहित होती है, सैन्य शक्ति सारी राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन इसका प्रयोग वो विधि द्वारा ही करेगा, यानी कि अपने अकॉर्डिंग ये अध्यक्षात्मक नहीं है, क्योंकि भारत का शासन अध्यक्षात्मक नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर ये नहीं हो सकता है कि राष्ट्रपति किसी भी देश पर युद्ध करने के लिए बोल देगा या इस तरीके से, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि शक्तियाँ निहित हैं, लेकिन उनका प्रयोग विधि यानी कि कानून के अनुसार ही करेगा, संविधान के अनुसार ही करेगा। राष्ट्रपति संसद की सहमति और अथवा सहमति न होने पर किसी देश के विरुद्ध युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता है, ऊपर मैंने आपको बता दिया है, और न ही सेनाओं को युद्ध के लिए भेज सकता है। युद्ध और शांति के समय कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केवल संसद को ही है, ठीक है। तो किसी भी देश पर युद्ध करने के लिए या शांति व्यवस्था बनाने के लिए सारे के सारे अधिकार किसके पास है, संसद के पास है, राष्ट्रपति नहीं कर सकता इसको, ठीक है। राजनीतिक जो शक्तियाँ क्या क्या हैं, तो देश की जो संपूर्ण राजनीतिक जो कार्य होते हैं राष्ट्रपति के नाम से संचालित होते हैं। राष्ट्रपति विदेशों में देश का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि हमारे जो भारत के नाम से यानी कि भारत का प्रतिनिधित्व करता है विदेशों में, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधियों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति की जाती है, यानी कि बाहर जो इनकी जो राजदूत विदेशों के जो राजदूत नियुक्त किए जाते हैं, राजनयिक नियुक्त किए जाते हैं, राजनयिक और वाणिज्य जो दूत नियुक्त किए जाते हैं, एम्बेसडर जो नियुक्त किए जाते हैं बाहर विदेशों के लिए, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। समस्त अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियां जो होती राष्ट्रपति के नाम से होती है, होती तो ये राष्ट्रपति के नाम से, लेकिन बाद में संसद की भी स्वीकृति आवश्यक होती है, ठीक है। पहले तो राष्ट्रपति के नाम से ही होती है, लेकिन बाद में क्या होता है, संसद की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। आपातकालीन शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, मैं आपको पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ इनके बारे में, जब मैंने आपके पास डेलेड एग्जाम किया, यानी कि जब मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा था उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। तो पहली चीज़ आपके पास राष्ट्रीय आपात, यदि राष्ट्रपति को लगता है कि बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की अगर कोई स्थिति बन रही है, तो आर्टिकल 352 के थ्रू राष्ट्रपति
राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है। अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है किसी भी राज्य का, यानी किसी भी राज्य का जो शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो संबंधित राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर सकता है आर्टिकल 356 के तहत। तो राष्ट्रपति यहाँ पे आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। वित्तीय आपात, यानी कि वित्तीय संकट की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। स्वाभाविक कुछ शक्तियाँ हैं, तो स्वाभाविक शक्तियाँ किसी भी दल का लोकसभा में बहुमत न होने पर, देखिए जैसे मैंने आपको पहले राष्ट्र प्रधानमंत्री के बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन किसको करते हैं, बहुमत दल के नेता को, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होना चाहिए, उसी को राष्ट्रपति नियुक्त किया जाए, सॉरी प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन अगर बहुमत न हो तब तो वो डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, ठीक है। मंत्री परिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री की या जो प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाने पर स्वविवेक से, देखिए प्रधानमंत्री के बारे में पूरा तो ऊपर अगर हम बता दें, नियुक्त कर उस समय स्वविवेक से कर सकता है, जब मृत्यु हो गई तो तब भी स्वविवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। जेबी वीटो को पावर कर सकता है, इस समय किसी की भी वहाँ पर जरूरी नहीं है कि उसे संसद की से सलाह लेनी होगी या कुछ से भी सलाह लेनी, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जेबी वीटो का प्रयोग अपने स्वविवेक अधिकार से कर सकता है। यदि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा का विश्वास खो दिया हो, यानी कि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा का विश्वास प्रस्ताव की बात यहाँ पे हो रही है, अगर विश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद वो सही साबित हो जाता है तो उसे विश्वास खो देना कहते हैं, खो दिया हो परंतु वह इस्तीफा देने को तैयार है, लेकिन मंत्रिपरिषद इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, तो उन स्थिति में मंत्रियों की बर्खास्तगी के संबंध में राष्ट्रपति स्वविवेक, यानी कि उनको बर्खास्त करना है या नहीं करना है, राष्ट्रपति स्वविवेक शक्ति रहेगा, ठीक है। अब कुछ राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे हैं, ठीक है, जो कई बार क्वेश्चंस के एग्जाम के पार्ट बन जाते हैं। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे, सब लोग जानते हैं, ठीक है, 1952 से 1962 तक ही रहे हैं। 1950 में उन्होंने 26 जनवरी 1950 को उन्होंने शपथ ली थी, 24 जनवरी 1950 को उनको नियुक्त किया गया था, जिनका कार्यकाल अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, पहली और अंतिम अभी तक वही हैं, ठीक है। वीवी गिरी जो वैकेंट गिरी जो थे, तो इनके समय एक चुनाव के समय ही दूसरी बार मतगणना करनी पड़ी थी। देखिए मतगणना अलग अलग तरीके से होती है, अगर पहले बार में ही 50, देखिए अगर जैसे कि 100 अगर सीटें हैं, 100 अगर वोट हैं, तो उसमें कोटा तैयार किया जाता है, तो 50+1, अगर 50+1 किसी को मिल जाता है तो राष्ट्रपति बन जाता है, यानी कि सीधी से बात है 51 वोट, 50% से ऊपर वोट मिल जाते हैं तो राष्ट्रपति ऑब्वियसली बनी जाएगा, है ना। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं बनती है तो फिर सेकंड टाइम की जनगणना होती है, फिर दोबारा से काउंटिंग होती है, वोट काउंटिंग होती है, जनगणना नहीं वोट काउंटिंग, सॉरी मतगणना, ठीक है। नीलल संजीव रेड्डी भारत के ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो एक बार चुनाव हारे हैं लेकिन पुनः दोबारा दूसरी बार क्या हुए थे, निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है, दूसरी बार उनको निर्विरोध चुना गया था। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे, जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने के बाद, इनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद वीवी गिरी को राष्ट्रपति बनाया गया था, ठीक है, वैकेंट गिरी को राष्ट्रपति बनाया गया था। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे के आर नारायणन, ठीक है। अब तक भारत के 6 राष्ट्रपति को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है, कौन कौन से हैं, राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी, 2019 में इनको मिला है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं वो 14वें राष्ट्रपति हैं, इससे पहले 13वें राष्ट्रपति कौन थे, प्रणब मुखर्जी थे, ठीक है, और जो 14वें राष्ट्रपति जो हैं इससे पहले कौन से थे, बिहार के गवर्नर थे। भारत के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, भारत के जो राष्ट्रपति जाकिर हुसैन हो गया, फखरुद्दीन अली अहमद हो गया, दो ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु जो थी कार्यकाल के समय ही हुई थी, ठीक है। राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर 6 माह के भीतर चुनाव करवाना होता है, तो राष्ट्रपति की जब मृत्यु होती है उसके 6 माह के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य है। जैसे कि उपराष्ट्रपति के बारे में अगर बोलते हैं तो उपराष्ट्रपति में क्या होता है कि अगर मृत्यु हो गई उपराष्ट्रपति की तो तुरंत चुनाव करवाना होता है, राष्ट्रपति के लिए क्या होता है 6 माह के अंतराल में होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आपके पास प्रेसिडेंट से रिलेटेड टॉपिक, तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड किस तरीके से चुना जाता है, क्या क्या शक्तियाँ होती हैं और क्या क्या उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया आज। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।